क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर पढ़ने बैठे हो पर अचानक थोड़ी देर में आपके हाथों में बुक्स की जगह मोबाइल फोन आ जाता हो और आप पढ़ने की जगह इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने लग जाते हो? तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट्स के साथ होता है और इसका सबसे मेन रीजन है कॉन्सेंट्रेशन। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या फिर आप गलत स्ट्रेटजी से पढ़ाई करते होगे। रीजन चाहे जो भी हो, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कॉन्सेंट्रेट ना कर पाने वाली आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आज हम आपको 5 सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने वाले हैं जिसमें डिस्ट्रैक्शंस को हमेशा के लिए खत्म करने से लेकर पढ़ने की बेस्ट स्ट्रैटेजी तक सब कुछ इंक्लूडेड है और इन सभी पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करने के बाद 100% आप पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने लग जाओगे। बट ये 5 पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है इसलिए आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। तो दोस्तों आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। 5. क्रिएट टू डू लिस्ट। ज्यादातर स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो पढ़ने से पहले कभी भी एक क्लियर टू डू लिस्ट या गोल्स नहीं बनाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके दिमाग को सब पहले से ही पता है कि उन्हें दिन भर क्या करना है और क्या नहीं करना। पर दिन खत्म होते होते इन स्टूडेंट्स का ज्यादातर टाइम यहाँ वहाँ की फालतू चीजें करने में चला जाता है और वो अपना पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको एक तो टू डू लिस्ट बनानी होगी। आपकी टू डू लिस्ट जितनी ज्यादा क्लियर और स्पेसिफिक होगी आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। लाइक आपको अपनी लिस्ट में आप किस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर पढ़ोगे ये क्लियर करना होगा। उसके बाद आपको वो चैप्टर कब से कब तक पढ़ना है ये भी मेंशन करना होगा। चलिए आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। लेट्स सपोज मुझे साइंस का फर्स्ट चैप्टर सुबह 10 से 12 बजे तक पढ़ना है तो मैं उसे अपनी डायरी में लिखकर उसके सामने कुछ इस तरह का बॉक्स ड्रॉ कर दूंगा। उसके बाद मुझे दोपहर के 2 से 5 मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर सॉल्व करना है तो मैं उसे लिखकर उसके सामने भी बॉक्स बना दूंगा। ठीक इसी तरह आपको भी 3-4 गोल्स अच्छे से लिख लेने हैं। बट गोल सेट करने से पहले एक बात आपको जरूर ख्याल में रखनी होगी और वो है ये कि आपको 3-4 से ज्यादा गोल सेट नहीं करने हैं क्योंकि ऐसा करने से आप एक भी गोल पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। और इस बॉक्स को ड्रॉ करने का सिंपल सा लॉजिक यही है कि जैसे जैसे आप अपने गोल्स पूरे करते जाओगे आप इन बॉक्सेस पर टिक करते जाओगे और ऐसा करने से सच में आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने सभी गोल्स को पूरा करना चाहोगे। बट सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होता क्योंकि गोल्स तो आप सभी सेट कर लोगे बट मेन प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रैक्शन से और इसलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 4. रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अब ये बोलना जितना आसान है इसे करना उतना ही मुश्किल है क्योंकि एक व्हाट्सएप या इंस्टा का नोटिफिकेशन आया नहीं कि सारा का सारा मोटिवेशन धरा रह जाता है और एक बार आप सोशल मीडिया पर चले गए तब तो भैया टाटा बाय बाय गया। इसीलिए अगर आप ऑनलाइन स्टडीज नहीं कर रहे हो या आपको यूट्यूब पर कोई सा लेक्चर नहीं देखना है तो प्लीज सबसे पहले अपने मोबाइल को उठाकर अपनी मम्मी को दे दो या खुद से इतना दूर रख दो कि आपको उसकी याद ही ना आए। पर अगर आप ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हो तो आपको थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करना होगा क्योंकि तब तो आपके हाथ में ही डिस्ट्रैक्शन की दुकान यानी आपका मोबाइल होता है। अब इससे बचने का भी एक बहुत यूनिक वे है जो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे पर गारंटीड वो तरीका आपके लिए काम जरूर करेगा और उस ट्रिक को पर्सनली मैं खुद काफी ज्यादा यूज कर चुका हूँ और वो ट्रिक है सिंपली अनइंस्टॉल द ऐप जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। वो इंस्टाग्राम हो सकता है या फेसबुक हो सकता है या फिर कोई सा गेम हो सकता है क्योंकि जब वो ऐप मोबाइल में होगा ही नहीं तो ना नोटिफिकेशन आएंगे और ना आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। और जब 2-3 दिनों में आपको बहुत ज्यादा इच्छा हो इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज करने की तो आप उसे फिर से इंस्टॉल कर लो और अच्छे से 2-3 घंटे मन भर के यूज करने के बाद फिर से उसे अनइंस्टॉल कर दो। दोस्तों सच में ये ट्रिक 200% वर्किंग है और इसे इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी डिस्ट्रैक्शंस की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। बट नेक्स्ट पॉइंट भी इतना ही इम्पोर्टेंट है या कहे तो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है पर हम में से ज्यादातर लोग उसे इग्नोर करते हैं और वो है 3. क्रिएट अ गुड स्टडी एनवायरनमेंट। देखो भाई पढ़ाई करने का भी एक माहौल या कहे तो एनवायरनमेंट होता है। अब मान लो आप पढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो पर जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो आपके घर में भाई बहन लड़ने लगते हैं, टीवी की आवाज आने लगती है या आपके पास कोई आकर नाचने लगता है तो क्या आप ऐसे में पढ़ पाओगे? कभी नहीं। इसलिए पढ़ने से पहले आपको एक अच्छा स्टडी एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। दोस्तों अच्छे स्टडी एनवायरनमेंट से हमारा मतलब ये नहीं है कि आप गार्डन की हरियाली में बैठकर पढ़ने लगो या अपने रूम में परफ्यूम वगैरह डालकर महका दो बल्कि अच्छे स्टडी एनवायरनमेंट से मतलब है कि सबसे पहले आप अपनी पढ़ने वाली प्लेस को फिक्स करो। अगर आपको टेबल के ऊपर पढ़ना है तो आप अपनी टेबल पर पहले से वो बुक्स कॉपीज और बाकी जरूरी चीजें रख लो जो आपको पढ़ते वक्त काम लगेंगी। आप पीने का पानी और छोटे मोटे फ्रूट्स भी रख सकते हो जिससे कि एक बार अगर आप पढ़ने के लिए बैठो तो आपको छोटी मोटी चीजों के लिए उठना ना पड़े और आपका कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक ना हो। इन जरूरी चीजों के अलावा उस टेबल पर आपकी जितनी भी बुक्स या कॉपीज हो उन्हें थोड़ी देर के लिए हटा दो। अब ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों हम ह्यूमंस को साफ सुथरी जगह अच्छी लगती है और ऐसी जगह हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ज्यादा अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। इसके अलावा आपको 1-2 और इम्पोर्टेंट चीजों का ख्याल रखना होगा। लाइक पढ़ने के लिए बैठने से पहले आपको हैवी फूड अवॉइड करना चाहिए
चाहिए, मतलब आपको गले तक खाना खाकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका पेट भरा हुआ होगा तो आपको पढ़ते समय नींद आने लगेगी। इसीलिए हो सके तो कुछ फ्रूट्स खाकर पढ़ाई करना स्टार्ट करो, और अगर आपके पास पढ़ाई करने के लिए सेपरेट पर्सनल रूम नहीं है तो आप अपने घर के लोगों को पहले ही बता दो कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा, तो मुझे कोई भी डिस्टर्ब मत करना। इससे दो फायदे होंगे, पहला कि आपको सच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और दूसरा क्योंकि आपने घर में सबको बता दिया है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करोगे, तो इसलिए अगर गलती से आप पढ़ने की जगह उठकर यहाँ वहाँ घूमने लगे तो आपके घर वाले आपको टोकने लगेंगे कि क्यों, तुम तो पढ़ रहे थे ना, इतनी जल्दी कैसे उठ गए। ये ट्रिक सुनने में तो काफी नॉर्मल सी लगती है, बट असल में यही ट्रिक सबसे ज्यादा काम करती है। बट अब बारी आती है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, या कहे तो हमारे वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की, और वो है कि ज्यादा समय तक कॉन्सेंट्रेट करके कैसे पढ़े। सो वैसे तो इसके बहुत से अलग अलग तरीके हैं, बट जो तरीका मुझे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है वो है नंबर 2, स्टडी बाय टाइम स्लॉट्स एंड रेस्ट्स। अगर आपको ज्यादा समय तक कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करनी है तो आपको टाइम स्लॉट्स में अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, और ऐसा करने के लिए काफी फेमस टेक्निक यूज की जाती है जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं, और शायद आपने भी इस टेक्निक के बारे में सुना होगा कि 25 मिनट पढ़ाई करो और 5 मिनट रेस्ट करो। बट इस टेक्निक में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो है ये कि आप 25 मिनट अच्छे से पढ़ तो लोगे, पर जब 5 मिनट रेस्ट करने की बारी आएगी ना, तो गलती से वो 5 मिनट 10 से 15 मिनट में कब बदल जाएंगे पता नहीं चलेगा। दूसरा, अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना चाहते हो तो कम से कम आपको 45 से 50 मिनट तक लगातार पढ़ना चाहिए, क्योंकि 25 मिनट कम टाइम होता है, और इसलिए सबसे बेस्ट होगा कि आप 45 से 50 मिनट बिल्कुल फुल कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो और उसके बाद 10 से 15 मिनट का रेस्ट लो। अब ये इतनी अच्छी टेक्निक इसलिए है क्योंकि इस तरह 3 घंटे पढ़ने के बाद आप टोटल 2.5 घंटे फुल कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ चुके होंगे विद 30 मिनट्स ऑफ रेस्ट। बस इसे करते समय एक गलती मत करना जो काफी लोग कर देते हैं, और वो है ये कि जब आप 10 मिनट्स का रेस्ट लोगे तो उस 10 मिनट्स में ट्राई करना कि आप कुछ बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग चीज ना देखने लग जाओ, क्योंकि उससे आपका 10 मिनट का रेस्ट 20 से 25 मिनट के रेस्ट में कब बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब आप दोबारा पढ़ने बैठोगे तो आपके दिमाग में वही चीजें चलती रहेंगी और आप पढ़ाई पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। इसकी जगह आप कुछ खाकर पानी पी सकते हो या थोड़ा यहाँ वहाँ घूमकर अपनी एनर्जी रिस्टोर कर सकते हो। अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 1, फोकस ऑन योर गोल नॉट ऑन टाइम। दोस्तों अब इसका डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन से तो कोई कनेक्शन नहीं है, पर हाँ इस पॉइंट से आपको इफेक्टिवली पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ज्यादातर स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्शन को दूर करके अच्छा एनवायरनमेंट बना के पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं और पोमोडोरो टेक्निक का यूज भी करते हैं, पर ऐसा करते समय वो अपना फोकस टाइम के ऊपर करते हैं, लाइक वो ये देखते रहते हैं कि कब 50 मिनट कंप्लीट हो और वो उठ के 10 मिनट का रेस्ट कर सके। एंड बिलीव मी, ऐसा पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान पढ़ाई की जगह टाइम पर था। इसलिए इफेक्टिवली पढ़ने के लिए आपको उन गोल्स पर फोकस करना चाहिए जो आपने अपनी डायरी में लिखे थे। भले आपको 2-3 घंटे ज्यादा पढ़ना पड़े, पर आपको अपने गोल्स को पूरा करने पर मेन फोकस करना चाहिए। एंड गोल्स के सामने उस बॉक्स को बनाने का भी मेन रीजन यही था कि आप अपने गोल्स को पूरा करके उस पर टिक करो। सो डोंट फोकस ऑन टाइम, फोकस ऑन योर गोल्स। तो दोस्तों इन 5 पॉइंट्स को सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको इन्हें इम्प्लीमेंट भी करना होगा, और इन्हें इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको गारंटीड रिजल्ट्स भी मिलेंगे। सो आई होप आपको आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो गुरु दक्षिणा के तौर पे हमारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें।